धारावी के लोगों के लिए फार्माक्विक जेनरिक कंपनी ने महंगे और कीमती दवाइयों को सस्ते में मार्केट में उतारा है, जिसका फायदा सभी जरूरतमंद लोगों को, गरीब और सुविधाओं से दूर रहने वाले लोगों को मिल सकेगा। फार्माक्विक कंपनी का मकसद है सही दवाइयों को कम पैसे में लोगों तक पहुंचाने का, और साथ ही उन्होंने हेल्थ केयर कार्ड की शुरुआत की है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते में अपना इलाज करवाने मिल सकेगा। इसके लिए फार्माक्विक ने धारावी में फार्माक्विक जेनरिक दवाइयों का अपना दूसरा स्टोर शुरू किया है। इस मौके पर फ्री मेडिकल कैंप भी रखा गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर संदीप धड़के, डॉक्टर सोएब खान, फतेह खान और अमित धर्मस्कर ने किया, जहां सभी ने कहा हम जनता की सेवा करने के लिए हाथ बढ़ाकर लोगों को सस्ती दवाई और सस्ते इलाज का बेड़ा उठा रहे हैं, और जल्द ही हमारे लैब से लोगों को दुगना फायदा होगा, और हम यकीन दिलाते हैं कि फार्माक्विक जेनरिक दवाइयां अन्य दवाइयों की तरह ही लोगों को फायदा पहुंचाएगा। मेरा नाम संदीप है। जस्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फार्माक्विक मतलब कि जेनरिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि पुअर पेशेंट है तो जो 100 रुपीज़ की मेडिसिन मिलती है उसको, हमारा इंटेंशन है कि पेशेंट को 10 रुपीज़ में मिले वो। तो हम लोग ने नियर बाय मतलब जस्ट मतलब जितने गरीब वाला एरिया है, जो पुअर डेंसिटी वाला एरिया है, तो वहाँ हमने जाते थे ज़्यादा मेडिकल्स ओपन करने वाले हैं उसके थ्रू। और प्लस अभी हमारा इन फ्यूचर में एक सॉफ्टवेयर भी आने वाला है, जिसमें डायरेक्टली पेशेंट के होम विजिट करेंगे, उसमें डिस्काउंट रेटेड में लैब टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, मेडिसिन हो गए उनके, उनको जीरो इंटरेस्ट लोन मिलेगा, हेल्थ लोन मिलेगा उनको, प्लस उनको इंश्योरेंस मिलेगा प्रोवाइड करके, उसमें भी डिस्काउंट रेटेड इंश्योरेंस हो गए, वो भी कैशलेस हो गए इंश्योरेंस भी कंपनीज के थ्रू। तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर भी जनरेट किया है उसके लिए भी, तो वो सॉफ्टवेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो पेशेंट को यूजली मतलब यूज़ होने को। और फार्माक्विक कंपनी को लेकर आप लोग आ रहे हैं, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में किस तरीके से फैलेगा या किस तरीके से संचालित लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं डॉक्टर शुएब खान, मैनेज्ड बाय अलायंस हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल एंड आयुष हॉस्पिटल धारावी। फर्स्ट हमने ये जो हमने एप्लीकेशन अभी जो ऐड किया है और ये जो लॉन्च किया है, इसको हमें बनाने में अप्रॉक्स 2 ईयर्स लगे, कम से कम 2 साल ये हमने रेडी किया है 2 साल में। और ये हमारा मुंबई में ये सेकेंड लॉन्चिंग है, ये हमारा फार्माक्विक का सेकेंड मेडिकल। ओके, तो हमारा प्लान ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे एरिया वाइज है, जहाँ पे स्लम्स एरिया है, झुपड़पट्टी एरिया है, गरीब है, जहाँ पे मेडिसिन प्रॉपर नहीं पहुँच रही है, तो हमारा ऐसा प्लान है कि कम से कम रेट में 80% 70% 60% रेट में हम डिस्काउंट करके उनको मेडिसिन तक पहुँचाएं। और हमारा प्लान ऐसा है कि आगे महाराष्ट्र के जो अलग अलग गांव हैं, जो महाराष्ट्र के जहां पे मेडिकल दूर दूर तक नहीं है, 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे से मेडिकल है, तो हमारा वहां पे ऐसा प्लानिंग है कि वहां पे हमारे मल्टीपल्स ऐसे मेडिकल ओपनिंग होंगे, जिससे हम फार्माक्विक के ज़रिए मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड चीज़, सबसे अच्छी बात यह है कि फार्माक्विक के ज़रिए हमने एक एप्लीकेशन अभी लॉन्च करने वाले 23 को, जो कि हम लाइंस ताराचंद हॉस्पिटल में लॉन्च करने वाले और बड़े पैमाने में लॉन्च करेंगे वो। ओके, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। अभी तो मार्केट में ऐसे बहुत से मल्टीपल एप्लीकेशन है जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को डिस्काउंट, ये हमने हट के बनाया है। जो कार्ड प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल वाइज कार्ड प्रोवाइड करेंगे, हर मेडिकल में जो भी हमारा फ्रेंचाइजी लेगा, हम उस मेडिकल में हमारा फार्माक्विक का एक कार्ड प्रोवाइड करेंगे, जो कार्ड के ज़रिए हर पेशेंट्स को, हर नागरिक को वो कार्ड के ज़रिए उससे बेनिफिट मिलेगा, एडमिशन से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके ट्रीटमेंट से लेके। ओके, सेकेंड चीज़, जो भी घर पे है, जो बेड रिटन पेशेंट है, हमने ये भी प्लान किया है कि जो भी घर में पेशेंट है, पुअर पेशेंट है, हॉस्पिटल नहीं आ सकते, हमने घर में ICU सेटअप बना के देने का भी हमने कोशिश किया है, वो हमारा मेडिकल से ही प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मेडिकल में कोई पेशेंट आता है, मेडिसिन लेता है, अगर यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये कार्ड के ज़रिए, ये एप्लीकेशन के ज़रिए उनको ये सब चीज़ें मिलेगी, तो हम उनको ज़रिए हम दूर दूर तक वो पहचानने का कोशिश करेंगे। ओके,
फ्री मेडिसिन, फ्री ओपीडी। अभी नेक्स्ट मंथ से हम फ्री ओपीडी चालू करने वाले हैं फार्मा क्यू के जरिए। ओके, हर महीने हमारा टारगेट है कि एक से दो हमारा फार्मा लॉन्चिंग हो फार्मा क्यू। हाँ, लाइंस ताराचंद बप्पा हॉस्पिटल है जहाँ पे हम 80% ट्रीटमेंट फ्री करते हैं। एंजियोप्लास्टी, बाईपास, एंजियोग्राफी, पेरिफेरल प्लास्टी, सेप्लिन प्लास्टी, ये जो एक प्लास्टी में 5 से 6 लाख रुपए खर्चा होता है वो ऑलमोस्ट हम फ्री करते हैं। जिनका राशन कार्ड महाराष्ट्र का है, अगर गांव खेड़ा का भी है तो हम उसमें 50% डिस्काउंट में करते हैं। हम वहाँ पे भी ये एप्लीकेशन और ये फार्मा क्यूक लॉन्च करने वाले हैं 23rd को, जिसके ज़रिए हम बहुत कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करने वाले पेशेंट्स के लिए और लोगों के लिए। और कार्ड के ज़रिए एक बेनिफिट ये रहेगा कि उस सारी चीज़ें, मेडिकल जो सपोर्ट है पेशेंट को, वो सारी कार्ड में ही रहने वाली है। ओके, तो देखते धीरे धीरे हमारा कोशिश है कि लोगों तक पहुँचे। और आजकल तो बहुत से ऐसे मेडिकल है, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जो ये चीज़ें दे रही है, लेकिन हमारा जो काम है, हम चाहते हैं कि हर 10 दिन में ये फार्मा क्यू का जो है फ्रेंचाइजी लॉन्च हो, लेकिन कोई मीनिंग नहीं हर महीने या 10 दिन में लॉन्च करके। हम इतना डिले क्यों कर रहे हैं कि लोगों तक प्रॉपर ये इसका फ़ायदा मिले और हमें उसका फीडबैक मिले, फिर सेकेंड हम सोचें कि हाँ खोलना है कि नहीं खोलना है। अननेसेसरी हर 10 दिन में, 15 दिन में लॉन्च करके कोई मतलब नहीं है। ओके, तो हमारा प्लान ये है कि हर 1 महीने में, हर 2 महीने में, जैसे हमें इसका फ़ायदा फीडबैक अच्छा मिलता है तो इस हिसाब से हमें आगे प्लान करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फार्मा कंपनी को जिस तरीके से हमेशा जेनेरिक दवाइयों की अगर हम बात करें, मेरा पहले भी क्वेश्चन रहा है कि लोगों का विश्वास नहीं बैठता है, तो ऐसी जेनेरिक दवाइयों का लोग कैसे बेनिफिट पहुँचाएंगे और किस तरीके से लोगों का आप अवेयरनेस करेंगे? जेनेरिक मेडिसिन और नॉर्मली जो कंपनीज मेडिसिन रहती है वो नॉर्मली सेम ही रहती है, क्योंकि हम खुद हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो दोनों मेडिसिन हमने यूज़ करके देखा है तो बेनिफिट इक्वली है, तो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें मेडिसिन के लिए, तो दोनों इक्वली रहता है। तो इसके लिए जेनरिक ही हम लोग प्रिफर कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को बेनिफिट रहता है, क्योंकि किस किस का डेंसिटी नहीं रहता, मतलब पैसों का थोड़ा सा पुअर रहता है, तो फिर इसके लिए हम लोग जेनरिक ही उनको एडवाइस करते हैं कि तुम जेनरिक यूज़ करो, तो कैसे फिर उनको फाइनेंशियली इशू नहीं होता है फिर इसकी वजह से। तो सबसे पहले तो मैं सारी फार्मा क्विक टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि बिकॉज धारावी में ये पहला मेडिकल है फार्मा क्विक का, और ये फर्स्ट फ्रेंचाइजी है जहाँ पे हम धारावी आउटलेट में स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो मेन फार्मा क्विक का मोटो है कि लोगों तक सस्ती दवाएं पहुँचे, क्वालिटी वाली मेडिसिन पहुँचे। जो हमारा मोटो है कि आपको पता है जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, जेनरिक मेडिसिन होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मोस्टली जब पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं तो ज़्यादातर जेनरिक दवाइयाँ फिर उसके बाद लॉन्च होती है। तो हमारा मेन मोटो ये है कि लोगों तक अच्छी दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ लोगों तक पहुँचे। हमारा जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर इकोनॉमिक कंडीशन से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे कहते घर है जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते मेडिसिन को, तो एक ऐसा प्लान था फार्मा क्विक का कि लोगों को सस्ती दवाइयाँ पहुँच सके। उसके साथ साथ हम लोग ने ऐसी कुछ चीज़ें भी लॉन्च की है जो शायद आपको इंडिया में दूसरे हेल्थ केयर सेक्टर में नहीं मिलेगी। लाइक हम लोगों ने कार्ड सिस्टम लॉन्च किया है हेल्थ कार्ड का, जहाँ पे उससे जो पेशेंट्स को जो बेनिफिट होंगे, लाइक कार्ड अगर पेशेंट्स के पास है, वो फार्मा क्विक के साथ मेंबरशिप बनता है, तो उनको बहुत सारे उसके साथ एडवांटेज मिलने वाले हैं, जैसे कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस में डिस्काउंट मिलेगा, लोन 0% इंटरेस्ट फ्री मिलेगा उसमें, प्लस उनको कहते ये अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री हो गया, सर्जरी में डिस्काउंट्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे वेरियस हेल्थ केयर जो सर्विसेज रहेंगे उनको एडवांटेज उसमें मिलेंगे। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं जो एक पेशेंट्स को मिलनी चाहिए, वो फार्मा क्विक के थ्रू प्रोवाइड कर रही है फार्मा क्विक की पूरी टीम। तो ये जो फार्मा क्विक का मोटो है कि लोगों तक एक बेहतरीन हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंच सके, वो मोटो लेके चल रहा है फार्मा क्विक। तो बेसिकली कार्ड को आपको फार्मा क्विक की टीम के थ्रू या वेबसाइट जाके आप गूगल में सर्च करके फार्मा क्विक के कार्ड के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, और उसके बाद हमारी टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगी जहाँ पे आपको KYC करना है, और उसके बाद आपको कार्ड मिलेगा और उस कार्ड के थ्रू आप वेरियस सर्विसेज ले सकते हो आप उसमें।